अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ करम शहजाद और आप देख रहे हैं खुर्रम व्लॉग्स ऑफिशियल प्रोग्राम। बना हुआ सियालकोट टू लाहौर का, एक शादी भी अटेंड करनी है और थोड़ा लाहौर वगैरह भी हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। मौसम आज काफ़ी गर्म है, सूरज पूरे आबोताब के साथ आज निकला हुआ है, बादल हल्के फुल्के ही हैं। तो निकलना है यहाँ से लाहौर के लिए, मैं जा रहा हूँ, सिर जा रही हैं और साथ में जा रहे हैं हमजा। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी ताकि थोड़ी सी गर्म हो जाए, तो चेक करते हैं। बिल्कुल भाई, गाड़ी हमारी हो गई है गर्म, मतलब करते हैं एसी ऑन क्योंकि गर्मी जो है आपके सामने बहुत ज़्यादा है। ये मैंने एसी ऑन कर दिया है, 5 मिनट में गाड़ी गर्म हो जाती है। जब तक मैं वेट कर रहा हूँ सेट का, सेट आ जाए, हमजा आ जाए, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधा लाहौर के लिए। आगे भी आ गए इतनी गर्मी के अंदर हमजा, यहाँ पे आया हमजा जी जी, आगे बैठे नहीं हो तुम्हारे गोलगप्पे लेने के लिए भेज दिया उन्होंने। ये तो चलता रहता है, चलता रहता है। मैंने भूख रख के खाती हूँ, हमसे तो भूख रखी जाती है, हम तो खाना खाने बैठते हैं एक ही दवा खाते हैं, भूख कैसे रख लेते हैं ये लोग। ये पंजाबी सही वाले नहीं है ना। अच्छा, चलो भाई आप खा गोलगप्पे वगैरह खाएं और हम लोग घंटा घर वगैरह क्रॉस करते हैं। 2:30 हमारे को यही बज रहे हैं और हम लोग ने जाना है लाहौर, 2.5 घंटे का सफर है, आगे अंदर भी जाने का ऑपरेटर अंदर निकले। यस यस, सेट मोटर भी आने वाला है, 250 मीटर से रह गया है और 3:30 हमारे को लगता है कि सियालकोट ने बच गए हैं। मौसम भी आज बहुत गर्म है, 44 टेम्परेचर आज है यार। मैं समझ रहा था कल वाला टेम्परेचर जो होगा 35, बट काफ़ी ज़्यादा हॉट है आज। सियालकोट की रोड चेक किए आपने, कितनी आला है? सियालकोट की रोड भी आला है, सियालकोट के लोग भी बहुत आला है यार। बस देख ले, उनको फिक्र ही नहीं है, गाड़ी राइट मोड़नी है, लेफ्ट मोड़नी है, बस ठक मोड़ दी ना, उन्होंने इशारा लगाना है, कुछ लगाना है, वो बाद में गालियां भी उसी को देनी है कि तुम रुके क्यों नहीं। इनका 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 ईमान बड़ा मजबूत है, पक्का यकीन है अल्लाह पे, बचाना तो उसी ने बचाना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम लोग चढ़ चुके हैं मोटरवे पे, चढ़ते के साथ ही लेफ्ट के ऊपर देखें क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, खेत है, ये सारे खेत वेट कर रहे हैं मूंजी लगने का। पहले हम एक शादी अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम घूमेंगे फिरेंगे लाहौर पे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या, और क्या भाई, और क्या। ये तो आमिर खान की मूवी तुमने याद करा दी हमारे को, ले भाई आ गया हमारा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा जी भी आ गया। चलो भाई ये हम यहाँ से जस्ट क्रॉस करेंगे, जाने दे भाई, ये तो सड़कें देखे लग रहा है हम किसी दुबई की गली में आ गए। ये क्या हो रहा है, यूरोप आ गए, यूरोप आ गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लाहौर कितना रह गया, 103 किलोमीटर लाहौर रह गया, पसरोल 19 किलोमीटर, डस्का 14 किलोमीटर है, 47 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, स्ट्रेट निकलते हैं। हमजा कहाँ पहुँच गए हम लोग यार? ये हम लाहौर बाईपास के करीब है, बस लाहौर बाईपास के टूल प्लाजा आई किया यार। ये देखिए, इसका मतलब हम लोगों ने तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, पता ही नहीं चला गाड़ी चलाई है। अच्छा, नहीं पहले मैं 100 पे चल रहा था यहाँ पे, चलिए आ गई है, इतना लेट उठा है चाहे वगैरह कराची वगैरह है, इसलिए लेट उठाए, पैसे वैसे हैं कि नहीं है। मौसम लाहौर का भी अच्छा है, बादल वगैरह है आसमान के ऊपर और साइडों के ऊपर भी मौसम अच्छा है, खेत वगैरह हैं। और ये देखें मेरे यहाँ पे एलपीजी, यहाँ से मेरे वहाँ देखें एलपीजी, देखा आपका एलपीजी? हाँ वो रहा, हाँ ये एलपीजी है सारे, इसको कह रहे हैं बॉम्ब। देखिए मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, दूर से लग रहा है जैसे मीनार पाकिस्तान है, लग नहीं रहा। गाड़ी में मौसम बहुत अच्छा है, गाड़ी का मौसम तो अच्छा ही होगा ना यार। यहीं से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं? हाँ जी। ओके भाई, यहीं से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न और सीधा जाएंगे लाहौर सिटी के अंदर। ये देखिए भाई, मेरे ख्याल से मैरियट टाउन वाला रोड है। हाँ देखने में लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रैक्स है। जैसे लाहौर के अंदर एंटर हुए हम लोग, जैसे लाहौर में एंटर हुए देखा 5 ट्रैक, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यूरोप या कराची, कराची का जो बैरियर टाउन है वो लग रहा है मुझे इस टाइम, इतना खुला खुला है। और उसके साइडों पे भी इसी तरह है, वहाँ पे जो है ना इस तरह ग्रीनरी नहीं है। हाँ घर जाते हैं, ग्रीनरी पंजाब के अंदर है, वहाँ पे तो घर वगैरह नहीं, वहाँ की जमीन जरा सूखी सूखी है, वहाँ पानी नहीं है ना जमीन में, काफी नीचे पानी थी, यहाँ पे ग्रीनरी काफी ज्यादा है और काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लाहौर के अंदर गर्मी कम है, टेम्परेचर कम है, 38 टेम्परेचर है यहाँ पे, फील लाइक 38 ही, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है ना,
जनाब कितना सफर रह गया है। ओ भाई सफर का पता नहीं चल रहा, आप लोगों ने हमारे गलत जगह में डाल दिया था। 44 किलोमीटर घूमने के बाद अब मेरे ख्याल में अभी भी 20 किलोमीटर हमने और जाना है, उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमने नहीं आपको बाजी ने किया, वो बाजी ने डाला, गूगल बाजी ने डाल दिया। नहीं नहीं 2 घंटे में लेट पहुंचा रही है ना, हम लोगों को 1.5 घंटे पहुंच जाना चाहिए था। अगर हम लोग पहले अपने उसमें चलते ना, अगर लाहौर शहर में हम लोग उतर जाते हैं तो हम लोगों ने अभी तक पहुंच जाना था, इसलिए हमारे को बहुत लंबा घुमा दिया इसने, लंबा घुमा दिया वाकई, बहुत लंबा घुमा दिया। चले कोई बात नहीं, हमारे को शेखोपुरा देखने को मिल गया, हमारे को खेत देखने को मिल गए, खूबसूरत नज़ारे मिल गए, कौन कौन सी नई हाउसिंग स्कीम आई हुई है वो देख ली। ये देखिए ये भी एक हाउसिंग स्कीम बन रही है, मस्जिद भी माशाल्लाह अच्छी बनाई है, गोल गोल गुंबद है ये, मुल्तान कराची के लिए मुड़ेंगे सीधा मुल्तान कराची। स्टेट जाएंगे अभी, हमारे को 20 किलोमीटर और स्टेट जाना है, हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, एक तो जनाब यहाँ पर ना आपके टूल प्लाजे नहीं खत्म होते, बस वो कहीं ना कहीं से पैसे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना, एक जाता है एक आ जाता है, एक जाता है एक आ जाता है। अगर खुदा ना खास्ता गलती से कोई बंदा एक गलत मोड़ ले ना मोटरवे पे तो जलालत लगता है, ये 10 टूल प्लाजे लगता क्रॉस करने पड़ते हैं। ये बात तो है, ये बात तो है। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, द हॉल मार्क इवेंट्स के अंदर 2 घंटे लगे हैं, बाजी तकरीबन सही लेके आई है, और ये जो भाईजान है ये भी ड्राइव लगता है सही अच्छी करके लेके आए हैं, अच्छी की उड़ाते हुए लेकर आए हैं, चलाई का भाई इन्होंने 130-140 की स्पीड से मैं लेके आया हूँ। तो चले यहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि भाई इवेंट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है भाई, लाहौर जो है वापला टाउन के बाद ही आता है, वैलेंशिया से क्रॉस करने के बाद ही आए हम लोग हॉल मार्क इवेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हमने शादी अटेंड करनी है, ये शादी अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद हम घूमते हैं लाहौर। भाई मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, और ये हॉल वगैरह जो बना हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन पार्किंग वगैरह कम है इसकी। चले इट्स ओके। बहुत खूबसूरत ये मार्केट बनी हुई है, और निकाह का ये फंक्शन है, उसके फ़ौरन बाद खाना भी है, लेकिन बहुत खूबसूरत ये बनी हुई है मार्केट लाहौर के अंदर। ब्यूटीफुल यार, इसकी छत देखें, डेकोरेशन देखें इसकी, वाह ब्यूटीफुल यार। बस जस्ट निकाह स्टार्ट होने वाला है, निकाह स्टार्ट होता है खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। निकाह का फंक्शन था और साथ में थी मेहंदी, लेकिन इनका ये चीज़ बहुत अच्छी की इन लोगों ने हमसा कि निकाह के फौरन बाद इन्होंने खाना खोल दिया, और खाना क्या लाजवाब, क्या लाजवाब, मजा आया खाने का। हाँ। खाना मिला कैसे ये तो पूछे वो तो आपने खाना खिलाया ना यार, लेकिन स्टीम रोस्ट और साथ में बिरयानी क्या बात है, दो ही आइटम रखे हुए थे इन्होंने निकाह के ऊपर, लेकिन बहुत मजे की थी बिरयानी और साथ में स्टीम रोस्ट का अपना ही मजा था। अब सिर्फ घूमते हैं लाहौर वगैरह घूमते हैं, और उसके बाद सीधा निकलते हैं फिर घर के लिए निकलते हैं, सियालकोट के लिए निकलते हैं, बट कोई रेस्टोरेंट में खाना खा के जाएंगे हम लोग रात का। हम लोगों ने ब्रंच किया है, ब्रंच ये चखा है, चखा है, चखना था ये तो दाल गीली की है, दाल गीली की है ज्यादा नहीं की है, बस 4-5 लेग पीस खाए हैं। ये मुर्गी, ये जो मुर्गी थी 4 लेग वाली थी, है ना, इसको लेग पीस खिला दे, जो खाते नहीं लेग पीस खाए आज इन्होंने, देखो हाँ जी मजा आया ना। चलो चलो एंजॉय करो, एंजॉय करो। फाइनली सीट रमजा में ले जाए इंपीरियर मॉल के अंदर, यहाँ पे ठीक ठाक रश है, हम लोग इस टाइम नीचे हैं बेसमेंट के अंदर, और आपके सामने से कहाँ लेके आ गए हो, तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ियों के जो है शोरूम में आ गए हम लोग। एम्पेरियर मॉल के नीचे, पुल के नीचे से भी नीचे सेकंड फ्लोर में आए हुए हैं, बेसमेंट सेकंड फ्लोर बेसमेंट में हम लोग आए हुए हैं, और बड़ी ठीक ठाक यहाँ पे तो यार पार्किंग है, रश ठीक ठाक है, मुझे लग रहा है आज वीकेंड है ना इस वजह से ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों की छुट्टियाँ इस वजह से ये। चलो ये वहाँ से हम लोग देते हैं एंट्री, एम्पेरियर मॉल में हम लोगों ने एंट्री दे दी है, काफ़ी बड़ा मॉल है यार ये माशाल्लाह से, सेट मिनी शो में घुस गई है, वाह अरे वाह क्या। चलो चलो हम भी अंदर ही चलते हैं मिनी शो के। हमजा मुझे तो लग रहा है इसलिए रश है कि एम्पेरियर मॉल में बच्चों का कार्निवल लगा हुआ है ये, और जिसकी वजह से ठीक ठाक रश है। ये देख रहे हो आप, ये झूले वगैरह खाने पीने की चीज़ें स्टॉल्स ये सब लगे हुए हैं, खावे वाले टावे का ही लोग काम है सारा। क्यों ये देखें इंपीरियर मॉल्स सारा ही बना हुआ है, सारा बच्चों का ये खेल में खाने पीने की चीज़ें और घूमने फिरने वाले आइटम्स हैं, बच्चों का कार्निवल लगा हुआ है जिसकी वजह से रश है ठीक ठाक इंपीरियर के अंदर। ये देखें भाई वाह भाई वाह, ये बच्चों के जंपिंग जैक आ गया है, वाह। टुडे इज़ वीकेंड और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक रश है इंपीरियर मॉल के अंदर,
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यानी फूड कोर्ट वगैरह 100% फुल है। पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है आज, और बच्चों का कार्निवल वगैरह भी लगा हुआ है। सेट वगैरह लोग भी गायब हो गए हैं, सेट लोग पता नहीं कहाँ चले गए यार, आई डोंट नो। जीरो पे जाके मुझे लग रहा है कि ये लोग कोई मशीन वगैरह ट्राई कर रहे होंगे, आए चेक करते हैं। भाई सीधा जो है मसाज करवाने लगी हैं अपने पैरों का, देख रहे हैं भाई। ज़ीरो बियॉन्ड वेलनेस के ऊपर आए हुए हैं, जिसके प्रोडक्ट्स तो वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगी हैं, बट ये है कि इफेक्टेबल है। आप हमसे, आपने भी करवाना है मसाज? नहीं, सेट करवा रही हैं, आप भी करवा लो। इतना रश है ना तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एलिवेटर्स के ऊपर, लिफ्ट के ऊपर, पैदल चलने का, नीचे ऊपर, इतना रश है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दिल ही नहीं जाना था कहीं जाने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहीं से हम लोग फारिग होते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते और निकलते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना, निकले ना, तो मसाज करवा ले फिर निकलते हैं अपन। हमसे कहाँ रुक गए यार आप लोग? फिर ज्वेलरी शॉप पर रुक गई है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये ज्वेलरी शॉप पर रुकते रहेंगे, कॉफ़ी वगैरह पीने, कुछ खाना है आप लोगों ने? बताओ पहले, ये देखो ना, ये ऊपर बना हुआ है सारा, ये देखो कितना बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है ऊपर, देखो माशाल्लाह। ये बारबेक्यू नाइट भी है, हार्डी भी है, सब है यार। यहाँ कॉफ़ी वगैरह यहाँ पियोगे आप लोग? उस पर जाओगे, टीम क्या नाम है उसका? टीम होटल पे जाना है आप लोगों ने। देखा भी देखना है आप लोगों ने, सोचना है अभी भी यार। ठीक ठाक रश है और कॉफ़ी आप लोग पी नहीं रहे हो, आप लोगों ने डोनट्स ले लिए यार, है पहले से प्लान किया, पहले से प्लान कर लिया आप लोगों ने। कॉफ़ी के साथ आप लोगों ने डोनट्स खाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गेस्ट हाउस पे हम आपको लेके आए हैं, यहाँ पे इनकी प्राइस बड़ी रीजनेबल है। लॉटस लिए थे, लॉटस लिए हैं इन्होंने 390 के, और मैंने लिया है आइस चोको आइस 230 का। क्या बात है, प्राइस बहुत रीजनेबल है यार ये। चले प्लीज़ लें आप लोग, चले फिर आ जाएँ भाई। फूड कोर्ट पर ठीक ठाक रश है, ऐसा लग रहा है कि फ्री में ये लोग खाना खिला रहे हैं। ये देखें भाई, ओए हो, काफ़ी डील्स हैं। ये देखें नीचे ही बना हुआ है, और उसके बाद इन्होंने ऊपर एक और बनाया फोर्थ फ्लोर के ऊपर, और ऊपर बच्चों के खेलने की जगहें भी हैं, जो मुझे लग रहा है कि फ़न फैक्ट्री। क्या बात है, फ़न फैक्ट्री है जो टॉप के ऊपर है इंपीरियर मॉल में। यार अकेले अकेले ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सिर्फ अकेले अकेले आप लोग आइसक्रीम खा रहे हो यार। मुझसे सुलह भी नहीं मारी, सुलह भी नहीं मारी आप लोगों ने। आप लोगों को मज़ा आया, और आप लोगों ने यहाँ से ली कौन सी आइसक्रीम आप लोगों ने? चीज़ केक ली। आपने कौन सी ली है? स्नैकर्स। क्या बात है भाई, दोनों छोटे बच्चे बने हुए किस्म के हैं। चलो इंजॉय कर लो, इंजॉय कर लो। और फूड कोर्ट में ऐसा रश है जैसे फ्री में मिल रहा है। निकले हम लोग, जाए कॉफ़ी पीते हैं। टिम कौन सी कॉफ़ी पीनी भी आप लोगों ने? कौन सी? टिम हॉल्टन की। इन लोगों ने कॉफ़ी पीनी है भाई, क्या बात है। तो इन लोगों को लेकर चलते हैं टिम हॉल्टन। चलो लेट्स मूव, सेट आ जाए। ए भाई जनाब, हम आ गए हैं। मेहमान ने कह दिया आज हम टिम हॉल्टन पे हम लोग पहुँच गए। ये जी आ गया। क्या बात है भाई, टिम हॉल्टन पे लेके आए हैं सेट हमारे को। क्या बात है, यहाँ से ये पियेंगी? क्या पीना भाई यहाँ से आप लोगों ने? कॉफ़ी। चले भाई यहाँ से आप लोगों को कॉफ़ी पिलाते हैं। हम सर कौन कौन सी आइस कॉफ़ी दी आप लोगों ने? सर जी ये जो है ये ओरियो आइस कैपेचिनो है, और ये कैरेमल आइस कैपेचिनो। ओरियो किसकी है, कैरेमल किसकी है? ओरियो मेरी है और कैरेमल। क्या बात है, क्या बात है। टिम हॉल्टन्स पे आप लेके आए हुए हैं, कैनेडियन ब्रांड है कि यूएसए ब्रांड है? कैनेडियन ब्रांड से। अच्छा अच्छा, तभी ये फ्लावर लगे हुए हैं इसके ऊपर। चलो वेरी गुड, चलो इन्जॉय करो अपनी आप मील ड्रिंक को। डोनट्स आप गाड़ी में खा सकते हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं किया, पूछ लिया हम लोगों ने, बाहर की चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप फिलहाल अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करें, और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा सियालकोट के लिए। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमारे को सियालकोट टू लाहौर, और उसके बाद हम लोग जो गए निकाह के अंदर, उसका खाना तो बहुत ज़्यादा औसम था। उसके बाद लाहौर हम लोग घूमे, एम्पीरियर मॉल वगैरह घूमे, और बाद में इन लोगों ने पिए टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी। मज़ा आया आप लोगों ने? आया बताओ। बहुत शुक्रिया, इतने ज़बरदस्त। वेलकम वेलकम। आप लोगों को मज़ा आया? चलो वेरी गुड भाई, चलो कॉफ़ी का मज़ा आ गया ना इनको। बॉयसन्स इनके हाथ से निकल गई, बॉयसन हमें कॉफ़ी नहीं पिलाई तो इनको कॉफ़ी पिला दी है, वो भी लाहौर से, वो भी टिम हॉर्टन की पिलाई है इनको, लाहौर से कनाडा पहुंचा दिया। हाँ सीधा कनाडा पहुंचा दिया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। स्टे ट्यून्ड टिल देन, अल्लाह हाफिज़।